पूरे विश्व में लोग कई धर्मों को मानते हैं, लेकिन इन सब में हिंदू धर्म सबसे प्राचीन माना जाता है। भारत में यह हजारों सालों से कायम है। इसी वजह से भारत को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। आज समग्र भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक अनगिनत हिंदू देवस्थान पाए जाते हैं। अगर बात करें भारत के पश्चिम स्थित गुजरात राज्य की, तो यहाँ एक तरफ है भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारिका, सोमनाथ जहाँ निवास है भोले शिव का, जहाँ माँ काली का बसेरा है ऐसा पावागढ़, और वहीं दूसरी तरफ साड़ंगपुर धाम जहाँ विराजमान है सबके कष्ट दूर करने वाले श्री कष्ट भंजन देव के नाम से प्रसिद्ध स्वयं श्री हनुमान जी महाराज। लेकिन इन सब में विशेष और अनोखा तीर्थ धाम है भगवान स्वामी नारायण के द्वारा निर्मित वड़ताल तीर्थ राजधाम। वड़ताल गुजरात के खेड़ा जिले में स्वामी नारायण संप्रदाय का सर्वोच्च तीर्थ यात्री केंद्र है। यह प्रसिद्ध स्वामी नारायण मंदिर का स्थान है। वड़ताल का श्री स्वामी नारायण मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण देव गादी का मुख्यालय है। स्वामी नारायण संप्रदाय उद्धव संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ और रामानंद स्वामी ने इसका नेतृत्व किया। 1799 में स्वामी नारायण, जिसे नीलकंठ वर्णी के नाम से जाना जाता था, अपने गुरु रामानंद स्वामी द्वारा तपस्वी साधु के रूप में संप्रदाय की आचार्य पदवी को संभाला और उनका नाम सहजानंद स्वामी रखा गया। स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी नारायण जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के अंतर्गत छपैया नामक गांव में हुआ था। आज भी यहां स्वामीनारायण मंदिर है जहां मेला लगता है। वर्तमान में यह गांव स्वामीनारायण छपैया के नाम से जाना जाता है। स्वामीनारायण संप्रदाय की जड़ें वेदों से जुड़ी हुई है। यह वैष्णव परंपरा का पालन करता है और इसके अनुयायियों को हिंदू धर्म के एक रूप का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने निर्धन सेवा का लक्ष्य बनाकर सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ा। इससे उनकी ख्याति सब और फैल गई। वह अपने शिष्यों को पांच व्रत लेने को कहते थे। इनसे मांस मदिरा चोरी व्याभिचार का त्याग तथा सर्वधर्म को पालन की बात होती थी। भगवान स्वामी नारायण ने अजय नियम बनाए तथा सभी उनका कठोरता से पालन करते थे। उन्होंने यज्ञ में हिंसा, बलि प्रथा, सती प्रथा, कन्या हत्या, भूत बाधा जैसी कृतियों को बंद कराया। उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः गुजरात रहा। प्राकृतिक आपदा आने पर वह बिना भेदभाव के सबकी सहायता करते थे। इस सेवा भाव को देखकर लोग उन्हें भगवान के अवतारी मानने लगे। शिक्षा पत्री और वचनामृत स्वामी नारायण संप्रदाय की मूल सीखे हैं। स्वामी नारायण ने 6 मंदिर बनाए थे। धाम जाने के पहले स्वामी नारायण ने स्वामी नारायण संप्रदाय के 2 विभाग बनाए। पहला नर नारायण देवगादी, जो अहमदाबाद में चलाई जाती है, और दूसरा लक्ष्मी नारायण देवगादी, जो वड़ताल से चलाई जाती है। ये बात श्री लक्ष्मी नारायण देवगादी के मुख्यालय श्री स्वामी नारायण मंदिर वड़ताल धाम की है। इस मंदिर में 3 मुख्य मंदिर है। इनमें से श्री लक्ष्मी नारायण देव की मूर्तियों को केंद्रीय मंदिर में स्थापित किया गया है। इसके दाईं ओर श्री राधा कृष्ण की प्रतिमाओं के साथ श्री हरि कृष्ण महाराज के रूप में सर्वोच्च भगवान स्वामी नारायण की मूर्ति को भी स्थापित किया गया है, और लक्ष्मी नारायण देव के बाईं ओर श्री वासुदेव, श्री धर्मपिता और भक्ति माता की मूर्तियां स्थापित की गई है। वड़ताल के शहर को वड़ताल स्वामी नारायण भी कहा जाता है। यहाँ का मंदिर कमल के रूप में है, जिसके आंतरिक मंदिर में 9 गुंबद है और यह वास्तुशिल्प का नमूना है। इस मंदिर के लिए भूमि जोबन पगी द्वारा दान दी गई थी। जोबन पगी एक डाकू था जो स्वामी नारायण भगवान द्वारा भक्त में परिवर्तित हो गया था। भगवान स्वामी नारायण ने मंदिर का निर्माण करने का आदेश दिया था और सदगुरु श्री ब्रह्मानंद स्वामी के सक्षम मार्गदर्शन के तहत मंदिर का निर्माण किया गया था। भगवान के अनुग्रह से सिर्फ 15 महीनों में निर्माण कार्य पूरा हो गया था।
वड़ताल धाम स्वामी नारायण मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां हजारों लाखों श्रद्धालु देश दुनिया भर से हर साल दर्शन करने आते हैं। वड़ताल मंदिर का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य और आकर्षक है। भगवान स्वामी नारायण ने स्वयं यहां गणेश जी और हनुमान जी की मूर्तियों को भी स्थापित किया था। हरि मंडप। मंदिर के मध्य भाग के दक्षिण पश्चिम तरफ में हरि मंडप देखा जा सकता है, जो श्री हरि का निवास था। जैसे गढ़पुर में अक्षर अरुड़ी की तरह भगवान स्वामी नारायण ने अपने निवास का निर्माण किया था जहां वो रहते थे, जिसे हरि मंडप कहा जाता है। सभा मंडप। स्वामी नारायण मंदिरों में सबसे पवित्र मंडपों में वड़ताल मंदिर का सभा मंडप सबसे बड़ा और सजावटी है। भगवान स्वामी नारायण भक्त की बैठक मंदिर के पिछवाड़े में रखने के लिए करते थे। विक्रम संवत 1925 में महान संत सदगुरु श्री पवित्रानंद जी स्वामी और दूसरे आचार्य भगवत प्रसाद जी महाराज के निर्देशन के तहत भव्य लकड़ी के भवन का निर्माण विशेष रूप से धर्मोपदेश के लिए, भजन, जाप और भक्त के सभा के लिए करवाया था। यहाँ एक विशेष बैठक भी होती है जो आचार्य महाराज के लिए होती है। गोमती झील। भगवान स्वामी नारायण ने गोमती झील के निर्माण करने के लिए कहा था। उन्होंने वरदान दिया था कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां गोमती में रहेगी। भगवान स्वामी नारायण ने कई संतों और हरि भक्तों के साथ यहां स्नान किया था। श्री स्वामीनारायण हॉस्पिटल। वड़ताल धाम में श्री स्वामीनारायण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है, जहां सभी वर्गों के लोगों की किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज मुफ्त में किया जाता है। धर्मशाला। यहाँ की धर्मशाला काफी विशाल है और श्रद्धालुओं को यहाँ रात ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। भोजनालय। वड़ताल स्वामीनारायण मंदिर में एक विशाल भोजनालय भी है, जहां 10,000 लोग एक साथ में भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। ये उस समय की बात है जब स्वामी नारायण भगवान ने अपने सारे कार्य पूरे कर लिए थे। तब उन्होंने अपना देह त्यागने का निश्चय किया। तब उनके अनुयायी निराश होकर कहने लगे, प्रभु आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, आपके बिना इस जीवन में कुछ भी नहीं। तब भगवान स्वामी नारायण ने अपने हाथों से अपनी मूर्ति वड़ताल मंदिर में श्री हरि कृष्ण महाराज के नाम से स्थापित की, और आज भी इस मूर्ति में ऐसी दिल धड़कने की वाइब्रेशंस आती है, जो कि इस बात का सबूत है कि कलयुग के दौर में भी भगवान स्वामी नारायण हरि कृष्ण महाराज के नाम से इस मूर्ति में विराजते हैं। और सिर्फ एक बार दिल से इनके दर्शन करने से
आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो आप जरूर वरताल स्वामी नारायण मंदिर जाइएगा, आपकी हर एक मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी। जय स्वामी नारायण। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियोस को भी आप एंजॉय कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।